एवरीवन नमस्कार, स्वागत है आपका लोधी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बीए के अंतर्गत, बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंतर्गत, दरअसल बीए सेकंड ईयर पर दोस्तों हमारा पॉलिटी में प्रश्न पत्र एक पर डिस्कशन चल रहा है। चूंकि मैं बीए सेकंड ईयर बोलने में इसलिए रुक रहा था क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा दोस्तों, प्रमुख राजनीतिक विचारकों वाला जो ये पार्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट है, ये किसी यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में है और किसी में फर्स्ट ईयर में है। इस कारण से दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो आप अपने सब सिलेबस के अनुसार पढ़े और लगभग दोस्तों आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिकों पर इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ राजनीति विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम जितने भी प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन सब पर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। इससे पहले के लेक्चर में, अर्थात के लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था इसके प्रमुख विशेषताओं की, जो हमारा राजनीतिक चिंतन है प्राचीन समय का, जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसकी विशेषताओं पर हमने दोस्तों पूरे विस्तार से डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है, वो लेक्चर नहीं देखा है, तो दोस्तों अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजियों को कंप्लीट क्लियर करने के लिए पहले उस सेशन को जरूर देख ले, उसके बाद ही दोस्तों इस पर मूव करें, जिससे कि आपको ये सभी सेशन, इसके बाद में जितने भी हम थिंकरों पर बात करेंगे, जितने भी राजनीतिक विचारकों पर बात करेंगे, वो क्लियर आपको समझ आते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हमारी राजनीति विज्ञान की, अर्थात कहें कि राजनीति विज्ञान तो खैर बाद में आता है, लेकिन जो राजनीति होती है, हमारी जो राजनीति है, उस राजनीति की शुरुआत कब से मानी जाती है, एक अहम क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो इसकी शुरुआत में, इसकी शुरुआत अर्थात जो राजनीति थी हमारे देश की, तो इसकी शुरुआत जो है हमारे मनु के समय से मानी जाती है दोस्तों। जो मनु हुई एक ऐसे राजनीतिक विचारक रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले राजनीति से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए थे, और उस समय के अर्थात मनु के समय के, या कहें कि बहुत ही प्राचीन समय के, हजारों, अभी से हजारों वर्ष पहले की जो व्यवस्था थी दोस्तों हमारी, उस व्यवस्था को मैनेज करने में, प्रबंधित करने में मनु के जो विचार थे वो काफी सहायक हुए। अर्थात मनु जी ने मनुस्मृति नामक एक ग्रंथ लिखा था, और उस ग्रंथ में ही संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित अपनी कुछ टर्मिनोलॉजी उन्होंने बताई थी, कुछ टर्म बताई थी, कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए थे, ठीक है। तो उन्हीं विचारों पर दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम मनु पर बात करेंगे, उसके बाद में दोस्तों सेकेंड लेक्चर हमारा कौटिल्य पर होगा, और इस प्रकार से क्रम अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, जिससे कि कोई भटकाव उत्पन्न ना हो, ठीक है। भटकाव का अर्थ क्या होता है कि देखिए, जो सबसे पहले शुरुआत होती है दोस्तों, उसमें हम बात करते हैं मनु और कौटिल्य की, उनके बाद में फिर प्लेटो अरस्तु, इस प्रकार से हम प्राचीन समय से फिर मध्यकाल पर मूव करेंगे, मध्यकाल से फिर हम आधुनिक समय में मूव, आधुनिक काल पर मूव करेंगे, और इस प्रकार से कंप्लीट जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हो सकते हैं सब पर हमारा ये सेशन कंप्लीटली डिस्कस करेगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की, और शुरुआत करें, आगे बढ़े उससे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को मैं संबोधित कर दूं जो पहली बार हमारे सेशन पर आए हैं। दोस्तों हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बीए के सभी सब्जेक्टों को आपके सिलेबस के अनुसार पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ाया जा रहा है, और साथ ही साथ में दोस्तों अगर आप बीए जो कर रहे हैं दोस्तों, उसका अगर आपका कोई एम है, कोई लक्ष्य है कि बीए कंप्लीट करने के बाद में आपको आईएएस के लिए तैयारी करना है या कहीं अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना है, तो दोस्तों उसके लिए सबसे बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके लिए ये प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है। क्योंकि हम जो बीए का अध्ययन आप लोगों को करवा रहे हैं वो यूपीएससी को दृष्टिकोण में रखते हुए ही दोस्तों सभी टॉपिकों को उसी प्रकार से विस्तार पूर्वक आपके सामने हम एनालाइज करते हैं। क्योंकि अगर आपने, अगर एक जो है लक्ष्य अपना बनाया है कि हो सकता है आपको आईएएस बनना है ना, यूपीएससी करना है, तो आपको इतना तो पता होगा ही दोस्तों कि पूरी यूपीएससी स्टडी से संबंधित नहीं, बल्कि वो एनालाइज से संबंधित होती है। स्टडी अर्थात माफ करना, आईएएस के अंतर्गत दोस्तों, यूपीएससी के अंतर्गत जितना महत्व आपके अध्ययन का नहीं है, उससे ज्यादा महत्व होता है कि आप कितना एनालाइज कर सकते हैं, किसी भी चीज पर कितना सोच सकते हैं, अपना पक्ष या विपक्ष किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारे जो इतने भी ये सेशन होते हैं, ये जितने भी बीए के अंतर्गत जितने भी सेशन हो रहे हैं, सारे सेशन दोस्तों फुल एनालिसिस के साथ में होते हैं, कंप्लीट एनालिसिस हम इसके अंतर्गत करते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने सेशन को। और एक बात और, आपके डाउट क्लियर, आप क्योंकि देखिए पढ़ाता तो आपको हर कोई है, लेकिन डाउट क्लियर करने की जो अहम फैसिलिटी होती है वो दोस्तों आपको बहुत कम प्रोवाइड हो पाती है। और बल्कि मैंने तो आजकल ये भी देखा है कि दोस्तों जब से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए हैं, तब से तो जो पेड क्लासेस होती है, पेड
पेड क्लासेस होती है, ऑनलाइन क्लासेस दोस्तों, उसमें भी डाउट क्लियर करने की फैसिलिटी बहुत ही कम होती है ना। इसी कारण से हमने व्हाट्सएप और कॉल की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की है, ताकि आप हमसे पढ़ते वक्त किसी भी प्रकार का डाउट अपने अंदर महसूस ना करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, हमारा ये आज का सेकेंड लेक्चर होने जा रहा है। सेकेंड लेक्चर हो रहा है दोस्तों हमारा आज का ये। इसके अंतर्गत दोस्तों ये नंबर आप ले सकते हैं, यहाँ से डिस्प्ले हो रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, आप हमारे साथ में अपने डाउट शेयर करने के लिए। और टेलीग्राम पर दोस्तों लोगाजी क्लासेस नाम से लिंक ग्रुप मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे सभी क्लास नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी हमारे लेक्चर होते हैं, सबकी डेली अपडेट भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलती है। इसलिए अगर आप हमारे साथ कंप्लीटली अध्ययन करना चाहते हैं बीए और बीए के बाद में किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो दोस्तों हमारे साथ में व्हाट्सएप और साथ ही साथ में टेलीग्राम ग्रुप के साथ जरूर जुड़े। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक अर्थात कि हमने राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं पर फोकस किया था, अर्थात उस पर डिस्कस किया था। आज को जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा मनु मनु पर होगा दोस्तों। इनके मनु के जो विचार थे, राजनीति संबंधित जो विचार थे, उन विचारों को हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक का, हमारे आज के इस पूरे लेक्चर का, या कहें कि इस पूरे टॉपिक का। हो सकता है लेक्चर दो भाग में आए, लेकिन जो पूरा टॉपिक होगा हमारा, इस टॉपिक का पूरा सारांश क्या है, क्या क्या हम इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, उसका है दोस्तों कि सबसे पहले हम बात करेंगे। एक सेकेंड, वायरिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, कहीं भी लगा देते हैं। चलिए ओके इसके अंतर्गत दोस्तों हम 6 पॉइंटों पर बात करेंगे, 6 आधारों पर बात करेंगे, अर्थात कि 6 ऐसी टर्मोलॉजी पर बात करेंगे जिसके माध्यम से मनु के विचार कंप्लीट पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे कि इनका राजनीति संबंधित क्या विचार इनके थे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देवीय सिद्धांत, अगर देवीय सिद्धांत फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में है, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में दोस्तों सिद्धांतों पर, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर अगर आपने कभी जो है पढ़ा हो उसको से संबंधित, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा देवी सिद्धांत क्या है। अगर नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सेकेंड ईयर में भी है, अगर फर्स्ट ईयर में भी है और अगर आपने नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस प्रश्न पत्र प्रथम इस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें शायद दूसरा या तीसरा वीडियो ही इसी का ही है ना, सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों पर। ठीक है, तो उसको देख ले, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते आगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत पर, देवी सिद्धांत पर जिसके सबसे बड़े समर्थक थे मनु जी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे राज्य की स्थिति और उसकी योग्यता, कि मनु के अनुसार राज्य की स्थिति क्या होना चाहिए और उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे राजा के गुणों पर, कि किस प्रकार के राजा में गुण होने चाहिए, फिर राजा के कार्य, और उसके बाद में दोस्तों इंपॉर्टेंट सेशन मनु का सप्तांग सिद्धांत, जिस पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे एग्जाम में, और लास्ट में देखेंगे हम मनु की न्याय व्यवस्था। तो दोस्तों जो लास्ट का और एक ये जो टॉपिक है आपका, ये 3 जो कंसेप्ट है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष फोकस करेंगे आप पूरी क्लास के अंतर्गत। मैं अभी बता रहा हूं दोस्तों कि अगर क्लास 30 मिनट से ऊपर निकलती है तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 2 भाग में इस क्लास को लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि कारण वही रहा है कि काफी लंबे समय से देखने में आ रहा है दोस्तों कि जो 1 से 1.5 घंटे क्लास हो जाती है तो काफी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है उसमें ना, देखते देखते बोर हो जाते हैं, वो फिर बाद में लास्ट में बोलते हैं कि सर हमें ये पार्ट समझ नहीं आया। हालांकि ऐसे कई प्रकार की मेरे पास में कमेंट आई कि सर मुझे ये कंसेप्ट समझ नहीं आता है या ये नहीं हुआ, कई सारी चीजें आती है। तो मैंने जब उस चीज को एनालाइज किया तो देखा कि जो वीडियो, जो भी क्लासेस हमारी 1 घंटे से ऊपर की थी और जो लास्ट में जो कंसेप्ट चलते हैं लगभग लगभग 50 मिनट, 40 से 60 मिनट के बीच में जो कंसेप्ट चलते हैं उसमें समझने में प्रॉब्लम आती, जबकि मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका दोस्तों शुरू से लेकर के एंड तक एक जैसा रहता है, एक जैसा दोस्तों, कोई परिवर्तन उसमें नहीं आता, लेकिन फिर भी उसको समझने में उनको प्रॉब्लम। और क्यों आती है ये प्रॉब्लम, क्योंकि 1-1.5 घंटे का वीडियो इतना लंबा हो जाता तो कहीं ना कहीं थोड़ी लेजीनेस आ जाती है ना, देखते देखते उसको। इसी कारण से मैंने इसको 30 मिनट, 35 मिनट या 40 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट, इससे ऊपर वीडियो नहीं निकलेगा। निकल अगर कोई क्लास टॉपिक लंबा होता है तो उसे 2 पार्ट में लेकर आएंगे, लेकिन दोस्तों हम इसका विस्तार कम नहीं करेंगे,
इसका पार्ट कर देंगे पर विस्तार कम नहीं करेंगे, है ना। विस्तार यही रहेगा हमारी क्लासेस का, पूरे विस्तार के साथ में, फुल लेंथ के साथ में, फुल लेंथ एनालिसिस के साथ में हम ये सेशनों को लेकर आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो वन बाय वन करके सभी पॉइंटों पर हम डिस्कस यहां पर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बेसिक टर्म की, कि मनु मनुस्मृति में, देखिए आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि मनु जो मनुस्मृति लिखी गई थी दोस्तों, आपने कई शायद हजारों बार क्लास फिफ्थ से लेकर के अब तक, क्लास फिफ्थ से लेकर के अब तक ये आपने हजार बार पढ़ा होगा कि मनुस्मृति की स्थापना, मनुस्मृति किन के द्वारा रचित थी, तो वो दोस्तों मनु के द्वारा रचित थी। मनुस्मृति मनु के द्वारा रचित थी, है ना। तो मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है, या फिर कहे कि मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति से संबंधित दो प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं दोस्तों। वो दो प्रकार के सिद्धांत कौन कौन से कौन कौन से हैं? तो एक है देवीय सिद्धांत और दूसरा है दोस्तों समझौतावादी सिद्धांत। एक है देवीय सिद्धांत और एक है समझौतावादी सिद्धांत। इन दोनों का देखिए सिंपल बेसिक टर्म में समझिए आप लोग, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल तरीके समझिए। देखिए मनुस्मृति में, चूंकि इस पूरे लेक्चर में जब हम मनु की बात कर रहे हैं जो कि एक प्रमुख और सबसे प्रथम राजनीतिक विचारक रहे हैं ये, तो हम जब इन पर बात कर रहे हैं दोस्तों इन्हीं के विचारों पर बात करेंगे। तो इनके द्वारा इनके पूरे विचार किसमें संकलित किए गए हैं? मनुस्मृति में संकलित किए गए हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो भी हमारी बात होगी वो मनुस्मृति या मनु, इसी पर पूरा लेक्चर हमारा आधारित होगा, है ना। तो मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के दो सिद्धांत बताए गए हैं। उन दो सिद्धांतों में से एक है देवीय सिद्धांत और एक है समझौतावादी सिद्धांत। अब मेरे प्यारे दोस्तों जिनको पता है दोनों सिद्धांतों के बारे में, बेसिक इनका अर्थ पता है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही समझने में। लेकिन जिन्हें पता नहीं है कि देवीय सिद्धांत क्या है और समझौतावादी सिद्धांत क्या है, उनके लिए तो बड़ी एक सरदर्द बन जाएगा, है ना। तो इसके लिए भाई सरदर्द मत बनाइए, आपके बाम में हूं, है ना, तो आप उसे भी दूर कर लीजिए। देवी सिद्धांत का अर्थ यह होता है दोस्तों, देवी सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया है राजनीतिक विचारकों के द्वारा, जो जो विचारक या जो जो विद्वान देवी सिद्धांत के पक्ष में है, उनका मानना ये है कि जो राज्य है दोस्तों, उस राज्य की उत्पत्ति किसी इंसान ने नहीं की है बल्कि वो ईश्वर ने की है। मतलब तो एक राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की है, उनकी धारणा ये है, ठीक है। और वहीं जब हम बात करते हैं समझौतावादी सिद्धांत की, तो समझौतावादी सिद्धांत के अंतर्गत ये माना जाता है कि जो राज्य है उसकी उत्पत्ति ईश्वर ने ना करके इंसानों ने ही, अर्थात मनुष्य ने ही समझ आपस में समझौता करके और एक राज्य की स्थापना की है, ठीक है। तो ये दो टर्म होती हैं। तो मनुस्मृति में इन दोनों का ही वर्णन किया गया है, लेकिन जो महत्व दिया गया है वो देवी सिद्धांत को महत्व दिया गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत, अर्थात हमारे पहले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, पहले कदम, पहला कदम बढ़ाएंगे, पहले पॉइंट पर हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत। तो देवी सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों मनु ने देवी सिद्धांत, पहले स्लाइड को पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद में दोस्तों इसको व्यवहारिक पक्ष में आपको समझा चलूंगा, जिससे आपके माइंड में ये हमेशा के लिए फिट हो जाए। मनु ने देवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, ठीक है। आप जानते हैं मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के पहले प्राकृतिक अवस्था थी। अब जरा समझिए दोस्तों पहली लाइन में क्या कहा इन्होंने, देखिए ऐसे समझेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा कि एक लाइन पढ़ ली उसको अच्छे व्यवहारिक रूप से समझा दिया, है ना। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं इसको, ज्यादा व्यवहारिक हो जाएगा नहीं तो ये, है ना। चारों ओर मत्स्य न्याय का वातावरण था, ताकतवर कमजोर पर अत्याचार करते थे। क्या मतलब हुआ दोस्तों, मनु ने मनुस्मृति के अंदर जो लिखा राज्य के बारे में, उसमें उन्होंने ये कहा है कि देखिए पहली बात तो इन्होंने देवी सिद्धांत को अपनाया था। अब देवी सिद्धांत की धारणा क्या है कि राज्य की उत्पत्ति किसी मनुष्य ने नहीं की है बल्कि वो ईश्वर के द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? राज्य की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? ईश्वर के द्वारा हुई है ना। तो इसके अंतर्गत मनु ने मनुस्मृति के अंतर्गत ये लिखा कि राज्य से पहले, जब राज्य नहीं था उससे पहले प्राकृतिक अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था थी अर्थात ये कि पूरा संचालन प्रकृति का जो होता था, प्रकृति का जो संचालन होता था वो प्राकृतिक रूप से होता था, ईश्वर के अनुसार होता था, प्राकृतिक रूप से होता था, है ना। उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं था, ठीक है।
चारों ओर प्राकृतिक, मतलब समझ रहे ना आप क्या मैं कहना चाहता हूं मैं, जब राज्य नहीं था, लेकिन ये मत समझ लेना मानव नहीं थे, मानव थे, जब राज्य नहीं था तो उन व्यक्तियों को मैनेज कौन करता था, प्रकृति मैनेज करती थी। अब प्रकृति, वो प्राकृतिक रूप से रहते थे, अपने अपने अनुसार रहते थे वो, ठीक है ना। तो इसके तहत ही दोस्तों इनका कहना यह है मनुस्मृति के अंतर्गत, कि जब राज्य नहीं था, जब प्राकृतिक अवस्था थी, तो उस समय मत्स्य न्याय की धारणा थी। उस समय मत्स्य न्याय, अब ये मत्स्य न्याय, देखिए ये छोटी छोटी टर्म आपको परेशान करते रहेगी दोस्तों, और इन टर्म को अगर आपने समझ लिया तो पूरी राजनीति विज्ञान और पूरा प्राचीन भारतीय इतिहास, जहां देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास में भी आपको ये टर्म देखने को मिलेगी, राजनीति विज्ञान के विचारकों के अंतर्गत ये टर्म देखने को मिलेगी, लोक प्रशासन पढ़ेंगे आपको उसमें ये टर्म देखने को मिलेगी, इसके अलावा दोस्तों आप समाज शास्त्र पढ़ेंगे में आपको ये टर्म देखने को मिलेगी, कई सारे सब्जेक्टों में संबंधित एक ही टर्म होती है, ठीक है। तो मत्स्य न्याय को भी आप दोस्तों समझ लीजिए, मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि समाज के, या कहें कि समाज तो समय कोई डेवलप थी नहीं, लेकिन हम साधारण मनुष्य का बोल सकते हैं कि ताकतवर जो मनुष्य होता है, जो शक्तिशाली मनुष्य होता है, वो अपने से कमजोर पर अपना अधिकार जमा के रखता है, इसी को बोलते हैं मत्स्य न्याय। तो मनु का कहना यह था कि जब राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, जब राज्य नहीं थे, तो उससे पहले मत्स्य न्याय की धारणा इन लोगों में पाई जाती थी, अथवा समाज में पाई जाती थी, है ना, जिसमें कि देखिए ये लिखा हुआ भी है कि ताकतवर कमजोर पर अत्याचार करते थे, ठीक है। तो इस अराजक और जंगल राज से छुटकारा दिलाने के लिए परम पिता ब्रह्मा जी ने राजा की सृष्टि की, और राजा में अष्टदेव इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर, इनके गुण बताए गए हैं। क्या कहना है, अब शॉर्ट में सुनिए इसको, पूरी कहानी को। मनु ने कहा है अपनी मनुस्मृति के अंतर्गत कि जब राज्य नहीं था, तो राज्य से पहले प्रकृति इनको संचालित करती थी, जहां की मत्स्य न्याय की धारणा उपलब्ध थी या विद्यमान थी उस समय में। मत्स्य न्याय का अर्थ होता है कि ताकतवर व्यक्ति कमजोर व्यक्ति पर अपना अधिकार जमा के रखता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसी को व्यवस्थित करने के लिए, अर्थात कि इस दुराचार से, इस अराजकता से बाहर निकलने के लिए परम पिता ब्रह्मा जी ने राज्य की स्थापना की, और एक राजा नाम का पद भी बनाया, और उस राजा में 8 देवों के गुण बताए गए हैं कि एक जो राजा होगा उस राजा में 8 देवों के गुण होना चाहिए। 8 देव समझिए कि 8 प्रकार के विशेष गुण होना चाहिए, है ना, 8 देवताओं के गुण राजा के अंतर्गत होना चाहिए। अब वो कौन कौन से राज कौन कौन से देवताओं के गुण दोस्तों, तो इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर, इनके श्रेष्ठ गुण होना चाहिए, ये कहा गया था मनुस्मृति के अंतर्गत। लेकिन चलिए छोड़िए वो बात, वो प्राचीन बात थी उस समय की, हम लोग, हमें देखिए जो प्राचीन समय की जो हम बात करते हैं वो मिले साक्ष्यों के आधार पर ही करते हैं, है ना। तो ये इस एक प्रकार से ये थोड़ा सा अनुमान भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा चढ़ा कर भी हम लोग बोल देते हैं, है ना। इसी कारण दोस्तों, क्योंकि देखिए प्राचीन समय के से, अब ये हजारों साल पहले की हम अभी बात कर रहे हैं, तो हजारों साल पहले के एकदम जो पुख्ता प्रमाण, जैसे कि हमें आधुनिक इतिहास के पुख्ता प्रमाण मिल गए हैं, लिखे हुए मिल जाते हैं, कई प्रकार के पुख्ता प्रमाण मिल गए जिस पर हम सटीकता से विश्वास कर सकते हैं, लेकिन बहुत प्राचीन समय के दोस्तों इतने पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिले हमें जिस पे कि हम पूरी तरह से इस प्रकार विश्वास करके और सटीक रूप से हम उसका अध्ययन कर सके। लेकिन जो अनुमानतः एक अनुमान के आधार पर बताया गया है, या कुछ प्रमाण मिले हैं और कुछ हमारे अनुमान जुड़ गए हैं उनके आधार पर ही हम बोल पाते हैं, है ना। तो उसी आधार पर हो सकता है कि प्राचीन समय के राजा, और वाकई में दोस्तों उस समय की जो स्थिति थी राजनीति की देख लीजिए, या किसी भी प्रकार की आप स्थिति देखी दोस्तों, एकदम वहां पर एक प्योरिटी पाई जाती थी, प्योरिटी पाई जाती थी, है ना, एक शुद्धता थी हर प्रकार में, मनुष्यों के आचरण में से लेकर के राज्य के संचालन में तक दोस्तों एक शुद्धता पाई जाती थी। और वो तो हम दोस्तों आधुनिक समय तक भी देखते हैं, आधुनिक समय तक भी, भाई 1950 से पहले क्या था, हमारे पूरे राजनीति के अंदर एक शुद्धता थी। 1950 के बाद में जैसे ही हमारे और पटेल साहब, इनके गुजर जाने के बाद पूरी अव्यवस्था फैल गई, है ना, उसके बाद ही अव्यवस्था फैली थी। तो कई सारे कारण इन सब के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां से इस कंसेप्ट से आप क्या समझे दोस्तों, कि
कि राज्य जो मनु स्मृति के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति का जो देवी सिद्धांत बोला है, तो देवी सिद्धांत के अंतर्गत क्या समझ आया इसमें कि मनु स्मृति में मनु ने राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है, और देवी सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने लिखा है, मनु स्मृति में लिखा है कि राज्य से पहले प्राकृतिक अवस्था जो है थी, उस समय राज्य जब राज्य नहीं था तो उस समय प्राकृतिक अवस्था थी जिसमें जो है जो न्याय होता था वो मत्स्य न्याय के आधार पर होता था, जिसमें शक्तिशाली व्यक्ति या शक्तिशाली वर्ग उससे कम शक्तिशाली या कहें कि उससे जो है हीन व्यक्ति पर अपना अधिकार जमा के रखता था, और इन सब के अलावा यह कहें कि इन सबसे बाहर निकालने के लिए ही ईश्वर ने राज्य और राजा की स्थापना की है, और उसकी स्थापना के तहत ही राजा में 8 गुण 8 देवताओं के गुण होना आवश्यक बताया है। अब उन्हीं गुणों पर ये पूरा सेशन लेक्चर होने वाला है, जब हम बात कर रहे थे कि राजा के गुण वाला जो नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट आने वाला, राजा का गुण, राजा के कार्य, किस प्रकार के राजा की योग्यता होना चाहिए, क्यों कौन से उसके अंदर गुण होना चाहिए, क्या क्या कार्य और किस प्रकार से वो कार्य करेगा, तो ये सारी बातें जो होगी दोस्तों वो सब इन अष्ट देवताओं या कहें कि अष्ट देव के गुणों के आधार पर ही होने वाली है। ठीक है, चलिए तो अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजा की स्थिति और उसकी योग्यता से हम संबंधित बात करेंगे कि मनु के अनुसार मनुस्मृति में राजा की क्या स्थिति बताई गई है, उसकी क्या योग्यता बताई गई है। तो दोस्तों वन बाय वन करके जरा समझिए, छोटे छोटे से पॉइंट है, खाली आपको उन्हें देख करके समझते हुए चलना है ना? सबसे पहली बात तो इसमें दोस्तों बोली गई है, सबसे पहली पहली बात बोली गई है मनुस्मृति में कि राजा जो होगा वो पूरे राज्य का सर्वोच्च होगा। ठीक है, राजा पूरे राज्य का सर्वोच्च होगा लेकिन धर्म से नीचे होगा, ये बात भी आप विशेष याद रखेंगे, राजा राज्य का सर्वोच्च होगा लेकिन धर्म से नीचे होगा, अर्थात कि सबसे ऊपर कौन होगा, धर्म होगा। देखिए दोस्तों आज वर्तमान में जब हम देखते हैं तो पाते हैं, वर्तमान में देखते हैं तो ये पाते हैं कि राजनीति और धर्म साथ साथ नहीं चल सकते, राजनीति और धर्म साथ साथ नहीं चल सकते, और जिस देश में भी राजनीति और धर्म एक साथ चलने लगे तो उस देश में अराजकता का उत्पन्न होना 100% तय है, जैसे कि वर्तमान में आप अफगानिस्तान में देख सकते हैं। ठीक है ना, और अफगानिस्तान जैसे दोस्तों कई सारे राष्ट्र आज भी ऐसे हैं जहां पर धर्म धर्म और राजनीति एक साथ जुड़ी हुई है, तो वहां पर इतना मतलब तीव्र गति से डेवलपमेंट होना जो है संभव नहीं होता है, सिर्फ एक दो अपवादों को छोड़ दे तो। ठीक है, एक दो अपवाद को छोड़ दे तो एक दो अपवाद ऐसे हैं जो धर्म और राजनीति को साथ साथ लेके चल रहे हैं लेकिन फिर भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो हमने यह देखा कि मनु के अनुसार या मनुस्मृति के अनुसार राजा राज्य का सर्वोच्च होता है और राजा धर्म का संस्थापक होता है। अब यह संस्थापक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि राजा ही वो व्यक्ति होगा जो पूरी समाज में या अपनी प्रजा में संपूर्ण जनता में धर्म की स्थापना करेगा, और वो ये देखेगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, और जो धर्म का पालन नहीं करेगा उसे दंडित करने का अधिकार भी राजा के पास में है, अर्थात कि राजा स्वयं धर्म का पालन करते हुए अपनी संपूर्ण जनता से भी धर्म का पालन करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इसी के अलावा राजा के साथ विश्वासघात करना, राजा के साथ विश्वासघात करना या फिर कोई भी राजा के विरुद्ध कोई अन्य कार्य करना सबसे बड़ा अपराध बताया गया है, उस समय का सबसे बड़ा अपराध बताया गया है। वो साथ ही साथ में मनुस्मृति में एक ये व्यवस्था भी की गई है कि राजा का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र ही होगा, राजा का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र हो सकता है, सॉरी होगा हो राजा का मतलब ज्येष्ठ पुत्र ही होगा, ऐसा आवश्यक नहीं पर हो सकता है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मनुस्मृति में राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों तो राजा को देश काल परिस्थिति शक्ति विद्या शास्त्र इन सब का ध्यान ज्ञान होना चाहिए, इन सब का जो है ये ज्ञाता होना चाहिए, और अपना जो ये व्यवहार करेगा, जो राजकीय व्यवहार करेगा, राजा अपने सिंहासन पर बैठकर जब ये राजकीय व्यवहार करेगा या कार्य कोई राज्य से संबंधित
काम काज करेगा, तो उसमें या कहें कि राजा के उस समय के राजा के व्यवहार में इन सारे गुणों को जो है परिलक्षित तो होना आवश्यक है, इन सभी गुणों का दिखना आवश्यक है। देश काल परिस्थिति अर्थात इसका समग्र एक अर्थ होता है कि समय के अनुसार लिया हुआ डिसीजन, समय के अनुसार वो अपना डिसीजन ले। अब उस डिसीजन वो डिसीजन जो भी वो निर्णय ले रहा है वो अपने देश के हित में होना चाहिए, परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उसमें वो शक्तिशाली भी हो, वो एक ज्ञानी भी हो, वो शास्त्रों का ज्ञाता भी हो, तो ये सारे गुण उस राजा के अंदर होना चाहिए और वो अपने व्यवहार में भी इनको प्रदर्शित करे, अर्थात कि राजा जो व्यवहार करेगा इन सबको ध्यान में रखते हुए ही अपना व्यवहार या अपना कार्य संचालित करेगा, ठीक है। तो उसे समय के अनुसार और राजा में एक गुण ये भी होना चाहिए, अर्थात राजा ये भी करे कि वो समय के अनुसार किसी को क्षमा भी करे, क्षमा भी करता रहे, लोगों से अपनी जो कहें कि अन्य राज्यों से या अन्य लोगों से मित्रता भी करे, इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर वो युद्ध भी करे, है ना, दया भी प्रदर्शित करे। तो ये सारी चीजें राजा को, एक सक्षम राजा को करना चाहिए जिसमें अष्ट देव के गुण समाहित हो, ठीक है। तो इस प्रकार की दोस्तों एक राजा के अंदर योग्यता होना चाहिए। स्टार्टिंग के दो पॉइंटों में हमने बात की है कि राजा की स्थिति क्या होगी और नीचे हमने बात की राजा की योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में दोस्तों हम बात करेंगे राजा के गुणों से संबंधित। अब देखिए यहां पर, देखिए दोस्तों इनमें से किसी भी चीज को आप पर्सनली लेकर के आज वर्तमान के समय में सोच करके और आप एनालाइज नहीं करेंगे और ना ही तुलना करेंगे, ये बात विशेष याद रखिए दोस्तों। एक प्राचीन इतिहास पढ़ते वक्त और एक जो है राजनीतिक विचारकों को पढ़ते वक्त आप किसी भी चीज को तुलना नहीं करेंगे, वर्तमान समय को लेकर के या अपने पर्सनल नॉलेज को लेकर के या किसी अन्य थिंकर्स को उठा करके, या हो सकता है कि आपको कोई और व्यवस्था पसंद हो लेकिन यहाँ कुछ और पढ़ने को मिल रही है, तो उनको लेकर के भी आपके मन में अंदर टकराव नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे जो है एनालाइजर बनना चाहते हैं, अगर बहुत अच्छे एनालाइज करना चाहते हैं किसी टॉपिक को, तो दोस्तों इसमें अपना जो पर्सनल होता है ना उसको बाहर रखिए, है ना। अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मनु और मनुस्मृति की, तो न तो इसमें मेरे विचार हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं, ना इसमें कोई मेरा विचार है और ना ही किसी और थिंकर्स के विचार है, ना किसी जिसने भी कोई किताब लिखी जो आपके हाथ में किताब है उस किताब के राइटर का इसमें कोई हाथ है, इस किसी का कोई हाथ नहीं है। सिर्फ जो मनुस्मृति में लिखा गया है हम सिर्फ उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। इसमें किसी अन्य का कोई विचार संकलित नहीं है। तो मनुस्मृति में जो व्यवस्था आपको बताई गई है वही व्यवस्था आपको मैं समझा रहा हूं, और एग्जामिनर भी आपसे एग्जाम में यही चीज पूछने वाला है कि मनुस्मृति में मनु के अनुसार राजा की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, या राजा की जो है योग्यता मापन, राजा की स्थिति क्या होगी, राजा के गुण क्या होंगे, या मनुस्मृति में जो राजा के गुण बता आए गए हैं वो कहां तक वर्तमान में कहां तक जो है वो प्रासंगिक है। तो इस समय में जब इस प्रकार का कोई आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि मनु के अनुसार जो मनुस्मृति में राजा के गुण बताए गए हैं या राजा की योग्यता बताई गई है वो वर्तमान समय में कहां तक प्रासंगिक है, तो इसमें आकर के आप वर्तमान समय से आप तुलना कर सकते हैं। लेकिन तुलना करते वक्त भी दोस्तों आपको एक बात हमेशा याद रहनी चाहिए, अगर आप बहुत अच्छे एनालाइजर बनना चाहते हैं या बहुत अच्छे नंबर भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों पर ध्यान देना आवश्यक है। एक बात को आप नोट कीजिए दोस्तों, कोई भी चीज जब आप समाज में व्यवहारिक रूप से सुनते हैं या समझते हैं, कोई चीज आपके सामने आती है तो उसका डिसीजन आप हैंड टू हैंड बोल देते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ये तो गलत है, या फिर हाँ बिल्कुल 100% ये सही है, फट से बोल देते हैं। अरे हम ही नहीं, कोई भी बोल देता है, जिसने कभी स्कूल का मूवी नहीं देखा वो भी बोल देता है ना। क्योंकि हमारे भारत में, सलाह देने वालों की कमी है क्या? नहीं है, आसानी से मिल जाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कभी अगर उन सलाहकारों को परखना हो ना, तो किसी कोई कोई सी भी आप पक्ष, कोई सी भी बात रखना और उसको बोलना कि भाई एक काम करो, इसके बारे में क्या बोलते हो, किसी भी चीज को आप उठाकर बोलना यार इसके बारे में आप क्या बोलते हो, तो उनकी धारणा या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। पहली बार में अगर उसने पॉजिटिव बोला, पॉजिटिव
पॉजिटिव बोला तो एक दो शब्द सुनकर उसको स्टॉप करना, रोकना, और फिर उसको ये बोलना कि भाई तू एक काम कर, इसके बारे में नेगेटिव बोल के दिखा, नकारात्मक पक्ष बोल के दिखा, वो कितने पानी में है उसका वहीं पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यही कारण होता है दोस्तों, वो अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर बोलते हैं, ठीक ना। और पर्सनल अनुभव हमेशा दोस्तों आपको एक पक्ष की ओर लेके जाएगा, एक पक्ष की ओर लेके जाएगा, लेकिन आपको अपने अंदर वही पर्सनल अनुभव जो आपका स्वयं का जो अनुभव है उससे दोनों आधारों पर डेवलप करना है, तभी तो आप थोड़े अलग हो पाएंगे। अन्य स्टूडेंटों से कैसे अलग होंगे, तभी अलग हो पाएंगे और तभी एक यूपीएससी वाला सपना पूरा कर पाएंगे, है ना। तो पक्ष और विपक्ष दोनों पर आपका एक तुलनात्मक अध्ययन जब भी आप करें तो एक पक्ष और विपक्ष होना चाहिए, उसमें आप पर्सनली बाहर रहेंगे, पर्सनली इन्वॉल्व नहीं रहेंगे उसके अंदर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों अब हम बात करेंगे मनु के अनुसार या मनुस्मृति के अनुसार राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है। या ब्रह्मा ने, परम पिता ब्रह्मा ने जो राज्य की स्थापना की थी और राजा पद को स्थापित किया था, उसमें राजा के कौन कौन से गुण बताए गए थे, तो वो थे दोस्तों इस प्रकार से, ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं और समझते चलते हैं। राजा को ज्ञानी होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए, उसके अंदर विवेक हो, मृदु हो, अर्थात कि एक जो है दयालु हो, एक सिंपल वर्ड टर्मोलॉजी में दयालु ही बोल सकते हैं, दयालु हो, सत्यवासी हो, हमेशा सत्य बोलने वाला हो, तथा शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाला हो, शास्त्रों के अनुसार कार्य करने वाला हो। तो समझे आप लोग, है ना, इसमें कुछ भी समझने जैसा कुछ है नहीं है, सिर्फ टर्मोलॉजी पर ध्यान रखना। एक ज्ञानी होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, सत्य, हमेशा सत्य बोलने वाला होना चाहिए, और वो जितने भी राजकीय कार्य कर रहा है वो शास्त्रों में बताए जो क्रिया बताई हुई उस क्रिया के अनुसार वो अपना राजकीय कार्य करने वाला होना चाहिए, ठीक है। वेदों के ज्ञाता, ब्राह्मणों, विद्वानों एवं वृद्धों के प्रति उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राजा को विनयशील होना चाहिए, जो राजा विनयशील नहीं होता उसका अंत निकट होता है। विनयशील का अर्थ यह होता है कि उसमें दोनों प्रकार की क्वालिटी हो। दोनों प्रकार क्वालिटी कैसी दोस्तों, कि उसमें देखिए झुकना भी आता, उस राजा को झुकना भी आता हो और सीधे खड़ा होना भी आता हो, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार का हमारा भारतीय संविधान है कठोर लचीला, वो दोनों ही गुण उस राजा के अंदर होना चाहिए। जहां आवश्यक हो विनय पूर्वक जो है अपने पक्ष रखने की, तो वहां विनय पूर्वक अपना पक्ष रखे, और जहां आवश्यकता हो जाए अर्थात अगर परिस्थितियों की मांग हो जाए, युद्ध करना, युद्ध के बिना कोई समाधान संभव नहीं है, तो वो युद्ध के लिए भी तैयार हो, तो उसी को हम बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पर विनयशील, ठीक है। दयालु भी हो, एक पक्ष में वो दयालु भी हो, सहृदय से मृदु हो, और साथ ही साथ में वो शक्तिशाली भी हो, ठीक। राजा को संयमी होना चाहिए और वेदों का ज्ञाता भी होना चाहिए। इसके अलावा राजा को युद्ध से भयभीत नहीं होना चाहिए हमेशा, अर्थात युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। राजा को क्रोधी नहीं होना चाहिए, यदि राजा क्रोधी हुआ तो भी वो कई प्रकार की बुराइयां उसके अंदर पनपने लगेंगी, जैसे कि चुगलखोरी करना, है ना, दुस्साहस बढ़ जाना, ईर्ष्या या विद्रोह, द्रोह वगैरह, ये सब प्रकार की जो बुराइयां होती है, जो दुर्गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर, वो आने लगते हैं। इस कारण से राजा को कहा गया है कि वो अपने क्रोध से बाहर रहे, क्रोधी ना रहे, ठीक है। तो कुछ दोस्तों 5 से 6 प्रकार के हमने ये इनके जो है गुण, राजा के गुण देखे हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे राजा के कार्य। दोस्तों ये राजा के कार्य, कि राजा किस प्रकार से अपना कार्य करेगा, ये भी हम मनुस्मृति के अनुसार ही आपको बता रहे हैं कि मनुस्मृति में राजा के कार्यों से संबंधित क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या बताया गया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि जनता से कर वसूलना, जो कि प्रत्येक राजा का एक अधिकार भी है, कार्य भी है और एक अधिकार भी है, कि प्रत्येक राजा अपना जो प्रथम कार्य करेगा जनता से कर वसूल सकता है, ये राजा का अधिकार है। इसके अलावा वो जो है राजदूतों की नियुक्ति करेगा, राज्य कार्य का संचालन के लिए राजदूतों की नियुक्ति करना भी आवश्यक है। इसके अलावा राज्य के कर्मचारियों को वेतन देगा और शास्त्र द्वारा निषिद्ध कार्यों को ना करे, जिन कार्यों के शास्त्र में स्पष्ट मना कर दी गई है शास्त्रों में, उन कार्यों को राजा ना करे,
और किसी भी विषय पर बहुमत होने पर राजाज्ञा के अनुसार कार्य करे, अर्थात कि ऐसा नहीं है कि जो भी सभा बैठती है, जो भी सभा है, सभा ने जो निर्णय लिया है, अर्थात कि जिस निर्णय पर बहुमत मिला हुआ है उसी के अनुसार राजा भी अपना बहुमत देकर कार्य करे। ऐसा नहीं है कि बहुमत किसी और जा रहा है और राजा अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार कार्य करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा को बहुमत की ओर ही झुकना होना चाहिए, झुकना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अभियोगों का निर्णय करना चाहिए, जो भी वाद विवाद आते हैं उसके पास में उसका एक सटीक निर्णय करे, एक उचित रूप से न्याय प्रदान करे, शत्रुओं से अपराध के अनुसार धन वसूले और अपराधियों और पाप कर्म करने वालों से प्रायश्चित करवाए, ठीक है। अब मुझे बताइए दोस्तों, आपने इतना बड़ा दिमाग में कॉम्प्लेक्स बना रखा था, कॉम्प्लेक्स अर्थात कितनी खिचड़ी पका रखी थी आप लोगों ने दिमाग में, कि सर ये तो बिल्कुल समझ आ ही नहीं रहा, बिल्कुल आउट जा रहा है। अब मेरे प्यारे दोस्तों मुझे ये बताइए कि इसमें क्या है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, इन पॉइंटों में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है या आपने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं हो, मुझे बताइए। कुछ टर्मिनोलॉजियों को छोड़ दो तो दोस्तों लगभग लगभग सब कुछ आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो इसमें क्या समझ नहीं समझने वाली चीज क्या है बताइए मुझे आप। सब समझ आता है, बस मैं आपसे बार बार क्यों बोलता हूं उसको एनालाइज करने की। देखिए एनालाइज करने का पक्ष विपक्ष पर एनालाइज करने का एक विशेष फायदा ये होता है दोस्तों कि किसी भी चीज को आप उसको एक क्रम देने में, मतलब व्यवस्थित क्रम देने में सफल हो जाते हैं। जब भी आपके अंदर जैसे ही एनालाइज करने की क्वालिटी आती है ना, और जब वो क्वालिटी इंप्रूव होने लगती है तो दोस्तों चाहे आपके सामने कैसा भी टॉपिक पटक दिया जाएगा उसको आप क्रम अनुसार सेट कर सकते हैं, आसानी से क्रम अनुसार सेट कर सकते हैं ना। तो यही है दोस्तों, अगर आप क्रम के अनुसार उनको जमाना सीख गए ना तो कोई डिफिकल्टी आपके सामने नहीं रहेगी। दोस्तों आप क्या समझते हैं, जिस जहां से मैं आपके लिए ये लेक्चर निकाल के लाया, देखिए पूरी प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको लेक्चर बनाने की, लेक्चर रिकॉर्ड करने की, कैसे लेक्चर हम लोग लेके आते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं हैंड राइटिंग से हाथों से पूरा टॉपिक लिख करके पीपीटी बनाने वाले को देता हूँ, ठीक है। फिर वो कंप्यूटर से अपनी टाइपिंग करके और पूरा उसको पावर, जो पावर पॉइंट है पावर पॉइंट पर पूरा उसका सेटअप जमा करके पूरा इस प्रकार से फॉर्मेट बना करके डिजाइन वगैरह करके फिर ये मुझे देते हैं, उसके बाद में फिर मैं आपको इससे पढ़ाता हूँ। तो अब मुझे बताइए दोस्तों कि जब ये पक्की पूरी बुक होती है, अब बुक में ये टॉपिक दोस्तों न तो इस प्रकार के कोई पॉइंट देखने को मिले मुझे वहां पर, न इस प्रकार, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, बल्कि पूरा एक समग्र रूप में एक थ्योरी टाइप से था। लेकिन मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा, मात्र 15 मिनट में दोस्तों आपका ये पूरा टॉपिक मैंने अपने हाथों से लिख करके पीपीटी बनाने वाले को हाथों में सौंप दिया था। सिर्फ 15 मिनट, और 15 मिनट भी ऐसे थे मुझे एक मीटिंग के लिए, एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना था, तो जाते जाते दोस्तों मेरे पास में सिर्फ 10 से 15 मिनट थे, उसमें ही मैंने खड़े 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 दोस्तों वहीं टेबल पर लिख करके उसको हैंड ओवर करके चला गया था। ये क्यों हो पाता है, क्योंकि दोस्तों आपको भी ये करना ही पड़ेगा, आपको ये करना ही पड़ेगा, और ये बीए थर्ड ईयर अर्थात बीए कंप्लीट होने से पहले पहले ही आपको ये करना पड़ेगा, है ना। अगर वाकई आप बीए के बाद कुछ करना चाहते हैं, अगर आप वाकई में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की फील्ड कोई फील्ड नहीं है दोस्तों, ये एक जो है ना एक मान ली युद्ध का मैदान है, और वो इतना खतरनाक युद्ध का मैदान है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे योद्धा आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे योद्धाओं से आपका सामना होगा जिनको आपको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको भी उनके लायक बनना पड़ेगा, और जिस सोच को लेकर अभी आप चल रहे हैं ना उसमें तो आप उस युद्ध क्षेत्र में पैर रखेंगे ना तो वो युद्ध क्षेत्र ही आपको उखाड़ के फेंक देगा वापस बाहर, अभी आप उसके अंदर घुसने के भी लायक नहीं है। तो अपने आप को उसके अनुसार डेवलप करें, अपनी सोच को बदले, अपनी सोच को थोड़ा इस तरह देखिए यार, किताबों से पढ़ना सब टाइम पास करना ये तो हर कोई कर रहा है, यूपीएससी बस सर की हाँ हमने तो यूपीएससी का फॉर्म डाल दिया है बस एग्जाम देने जा रहे हैं, हर कोई करता है मेरे प्यारे दोस्त। 10 से 12 लाख लोग पर ईयर करते हैं यूपीएससी का फॉर्म, 10 से 12 लाख पर ईयर भरते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं जो प्री निकाल कर मेंस निकाल कर इंटरव्यू तक भी पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का लेक्चर काफी लंबा हो चुका है और इसको हम यहीं रोकेंगे। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट भाग में दिखा देता हूँ आपको क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में। पॉइंट नंबर 5 के अंदर दोस्तों हम देखेंगे मनु का सप्तांग सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में सप्तांग सिद्धांत के बाद में दोस्तों सप्तांग सिद्धांत के बाद में हम देखेंगे मनु की न्याय व्यवस्था, मनु की न्याय व्यवस्था अर्थात मनु ने अपने राज्य में अर्थात की मनुस्मृति के अंतर्गत राज्य में
किस प्रकार की न्याय व्यवस्था का वर्णन किया है या किस प्रकार की न्याय व्यवस्था का की व्यवस्था की है। तो इन दोनों पॉइंटों पर दोस्तों लास्ट सेशन में हमारी एक पूरे विस्तार से डिस्कस होगा, पूरे विस्तार से डिस्कस होगा। और मैं फिर से एक बार हाथ जोड़कर उन सभी स्टूडेंट्स से माफी मांगूंगा जो कहते हैं कि सर हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाइए, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने वाले कम से कम लाखों लाखों से भी ज्यादा टीचर आपको YouTube पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जहां पर आप पॉइंट टू पॉइंट जाकर के पढ़ सकते हैं, है ना। हम मैं दोस्तों यहाँ पर मैं BA तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन BA के बाद की फील्ड के लिए मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपसे एनालाइज करने के लिए आ रहा हूँ, ताकि आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बना के मैं आप लोगों को दे सकूँ पूरे टॉपिक का। टॉपिक को समझाना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना कुछ भी नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ दोस्तों, आप सिर्फ 15 दिन कंटिन्यूअसली, एक भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन आप मेरा लेक्चर ना देखे, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी विषय का हो, कोई सी भी क्लास का लेक्चर हो, 15 दिन आप मेरा कंटिन्यूअसली लेक्चर देखिए और फिर आप अपने अंदर की जो एनालाइज करने की क्षमता है उसको पहचानिए। फिर आप खुद कंपैरिजन करना कि 15 दिन पहले आपकी क्षमता क्या थी एनालाइज करने की और आज 15 दिन बाद आप किसी भी टॉपिक पर एनालाइज करने की क्षमता क्या है। मैं जो बार बार आप लोगों से बोलता हूँ 360 डिग्री, किसी भी चीज को पढ़ते वक्त, किसी भी टॉपिक को पढ़ते वक्त 360 डिग्री का एंगल आपके दिमाग में होना चाहिए। कोई भी टॉपिक हो उसके चारों तरफ का सोच लो, आप चारों तरफ का सोच लो, क्या क्या इसका पक्ष हो सकता है, क्या इसका विपक्ष हो सकता है। जब कंप्लीट इस सोच के साथ जब आप किसी टॉपिक को उठाएंगे ना, टॉपिक को पढ़ेंगे ना, तो संभव ही नहीं है यार कुछ चीज आपसे लोगों से छूट जाए। और जब इतनी तैयारी के साथ आप लोग जाएंगे, चाहे फिर वो यूपीएससी क्यों ना हो, पहले प्रयास में दोस्तों यूपीएससी क्रैक है ना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिमाग का, दिमाग और सोच। दिमाग कैसे डेवलप होता है, सोच से होता है। ऐसी सोच बनाइए, ऐसे तर्क अपने अंदर लाइए, वो क्वालिटी लाइए, सब कर ले जाओगे इतना। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन अर्थात इसी के सेकेंड भाग में। और उस सेकेंड भाग का कंप्लीट होने के बाद फिर हम राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत ही दोस्तों फिर हम कौटिल्य पर, माफ करना, हाँ कौटिल्य पर आएंगे। इनके बाद में हम कौटिल्य पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कौटिल्य के बाद में, कौटिल्य में दोस्तों एक ही, शायद एक ही लेक्चर होगा उसमें, लगभग ये 30 से 35 मिनट का। उसके बाद में सीधा हम मूव करेंगे प्लेटो और अरस्तू पर, प्लेटो और अरस्तू पर, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, इसी के नेक्स्ट भाग में। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसको कंटिन्यूअसली करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। और डिस्प्ले से नंबर, अगर आपको व्हाट्सएप से जुड़ना है तो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। जो भी हमारे नए स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट के पास, सबके पास में नंबर है हमारे। बाकी जो नए स्टूडेंट है उनके लिए नंबर है, आप यहाँ से नंबर ले सकते हैं। और मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए टेलीग्राम पर लोदाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, टेलीग्राम पर लोदाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है। ये ग्रुप को देख करके आप यह ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लोदाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।